नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम लोग पिछले वीडियो का अगला पार्ट देखेंगे, जहां पे हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 20 एमसीक्यू यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, डील किए थे। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे सवाल किया था कि 21 क्वेश्चन क्या है आपका, वेरिगंस थ्योरम अप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्सेस आर। फोर्सेस क्या होता है, वेरिगंस थ्योरम कब अप्लीकेबल होता है, तब जब फोर्सेस कंकरेंट होता है तब। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी कंकरेंट, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को बोला था। अब 22 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड, यानी कि दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को फाइंड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। द अब 30 नंबर है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एफ एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी, यानी कि दो इक्वल फोर्सेस है और एक का डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा जीरो, यानी कि ऑप्शन ए। 24, द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड, जो दो फोर्सेस जो किसी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जब एक कोप्लेनर में रहेंगे तो मीट कर ही जाएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट कोप्लेनर में रहे तो वो मीट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कोप्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि दोज फोर्सेस व्हिच फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए, तो लाइन है वन प्लेन, यानी कि ऑप्शन है। 26 देखिए, द फोर्सेस व्हिच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, तो इसे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस कहेंगे। यहाँ पे वन पॉइंट मीट एट वन पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन, सेम ही प्लेन में है और एक पॉइंट में भी मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर में, तो इसे कंकरेंट कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस कहा जाएगा। 27, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवेन बाय, अगर फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर एक्टिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसका रिजल्टेंट को निकालने का सिंपली तरीका होता है कि आप उसका एक्स एक्सिस का सिग्मा वाला स्क्वायर कर दीजिए, वाई एक्सिस का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। 28 देखिए, द स्टेटमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस इज जीरो इज नोन एज, इसे हम लोग क्या लॉ ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। लॉ ऑफ मोमेंट्स आपको याद ही करने होंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स टेकन अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्सेस इज जीरो, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मोमेंट्स। एंड द 29th क्वेश्चन, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू इच अदर एंड एक्ट एट द सेम डायरेक्शन आर नोन एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, जो एक ही डायरेक्शन में हो उसे फोर्सेस, दो फोर्सेस तो उसे हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे, आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द फिक्स्ड एंड ऑफ ए बीम आर, फिक्स्ड एंड ऑफ बीम में आपके 3 नंबर ऑफ क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। अब 31 नंबर देखिए, UDI stands for, UDI का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि आपका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो गया। अब है द नंबर ऑफ रिएक्शन एट द हिंग सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, तो 2, फिक्स्ड में आपका 3 और क्या हिंग्ड सपोर्ट में आपका 2 नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ वन एंड ऑफ ए बीम इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड ऑफ बीम इज सपोर्टेड बाय ए रोलर सच टाइप्स बीम इज नोन एज, इस टाइप के बीम्स को हम लोग प्रोपेट कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, ठीक है। अब 34 नंबर देखिए, ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम इफ, अगर कोई फोर्सेस
एक्टिंग एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इसका क्या बोलते हैं, ए द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इज जीरो, सम जीरो होगा सभी फोर्सेस का, और तो और आपका द सम ऑफ सॉल्ट पार्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्शन में जो सॉल्ट पार्ट होगा उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपका जीरो होगा। अब देखिए अगला नंबर, 35th नंबर क्वेश्चन। इफ ए बॉडी इन ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम देन इट्स इम्प्लाइज डैट द बॉडी डैट स्टैटिक में होगा, तो आपका बॉडी जो है वो रेस्ट में होगा, इज एट रेस्ट आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, द फोर्सेस शो इन द फ्री बॉडी डाइग्राम आर, द फोर्सेस शो इन द फ्री बॉडी डाइग्राम आर, तो उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखते हैं, द फोर्सेस एक्सर्टेड बाई द सराउंडिंग बॉडीज अपॉन द बॉडी अंडर अंडर कंसिडरेशन, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया है, इसे आप एक बार देख लेंगे। द लेमिज थियोरम इज अप्लीकेबल फॉर, लेमिज थियोरम आपका कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस पे अप्लाई होता है, ऑप्शन सी। और द 38 नंबर क्वेश्चन है, देयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन कीप इट इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन दे आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम तभी होगा कोई फोर्सेस अगर एक्टिंग कर रहा है एक बॉडी पे, तो जब वो कोप्लेनर और कंकरेंट होगा तभी आपका होगा क्या, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, इफिशियंसी क्या होता है लिफ्टिंग मशीन का, तो इट्स आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट आपका इफिशियंसी हो गया किसी मशीन का, और फिर वर्क डन बाई टू इट वर्क डन ऑन इट, ये भी इफिशियंसी हो गया, एंड इट्स इफिशियंसी एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो, इफ मैकेनिकल एडवांटेज और फिर क्या बोला जाता है वेलोसिटी रेशियो, ये भी आपका इफिशियंसी हो गया, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज किप्ट कॉन्स्टेंट, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि एम ए मैकेनिकल एडवांटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर उस अगर लिफ्टिंग मशीन का जो इफिशियंसी है वो कॉन्स्टेंट होगा तो वेलोसिटी रेशियो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज के। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, इन ए आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है, यानी कि आइडियल मशीन में इफिशियंसी आपका 100% होगा, 100% को 1 आप ले लीजिए और 1 बराबर एम ए बटे वी आर वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज, तो यहाँ पे वी आर बराबर एम ए हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल हो जाएगा। और 42 नंबर देखिए, ए लिफ्टिंग मशीन हैविंग एन इफिशियंसी लेस देन 50% इज नोन एज, इसे हम लोग नॉन रिवर्सिबल क्या बोलते हैं, इफिशियंसी जब 50% से कम होगा तो वह नॉन रिवर्सिबल मशीन हो जाएगा, ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एम ए जो होता है वो मैक्सिमम लिफ्टिंग मशीन का कब होता है, तो जब 1/m, जब इफिशियंसी 100% होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब 44 देखिए, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज, यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी का, यहाँ पे लिफ्टिंग मशीन का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा, तो 1/m इंटू वी आर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए वर्म्ड गियर्ड पुली ब्लॉक इफ बी डबल द नंबर्स ऑफ टीथ द वर्म व्हील इट्स वेलोसिटी रेशियो, इस यहाँ पे अगर हम लोग डबल कर दे नंबर किसका, टीथ का वर्म व्हील में, तो इट्स वेलोसिटी रेशियो है वो भी डबल हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल परचेस क्रैब व्हिच कैन बी इंक्रीज्ड बाई, यहाँ पे अगर वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल परचेस क्रैब व्हिच कैन इंक्रीज बाय, यहाँ पे कितना इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल, हैंडल का अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी इंक्रीज कर जाएगा सिंगल परचेस क्रैब में, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुलीज इज, यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम पुलिज में 4 पुलिज होगा तो उसका वेलोसिटी रेशियो 16 हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस व्हिच लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ए कपल इज, यहाँ पे ये जो
जब टू डिफरेंट एंड इक्वल एंड अपोजिट क्या हो, पैरेलल फोर्सेस हो, तो एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम कपल. जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है, कपल से डिफरेंट होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन. अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कपल प्रोड्यूस, यहाँ पे ट्रांसलेटरी रोटेशन मोशन, और भी ऑप्शन देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आपका है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो केवल और केवल रोटेशनल मोशन हो जाएगा. यानी कि जो क्वेश्चन था आपका क्या था, ए कपल प्रोड्यूस ओनली रोटेशनल मोशन. 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कपल विल बैलेंस वन अनदर व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन, एंड द कपल्स विल बी बैलेंस वन अनदर व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन. कपल कब बैलेंस करेगा एक दूसरे को, जब एक ही प्लेन में होगा, और क्या होगा. इसका राइट आंसर, यह सेंटेंस अधूरा है, तो उसका पूरा वाक्य ये होगा, कंप्लीट सेंटेंस, वी हैव इक्वल मोमेंट्स एंड देयर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज अपोजिट, देन इट्स क्या होगा, कपल बैलेंस होगा. तो ये आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया. तो ये हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ पे अब तक 2 वीडियोज में कवर कर चुके हैं. आगे का 100+ ऑब्जेक्टिव जो है वो भी कवर करेंगे, वो भी 2 वीडियो में कवर हो जाएगा. तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. धन्यवाद.